ये वाला लॉक दिया है हमने स्लाइड में, तो इसे अंदर की तरफ दाबने से ही लॉक हो जाएगा। ये वाला लॉक दिया है हमने स्लाइड में, तो इसे अंदर की तरफ दाबने से ही लॉक हो जाएगा। फिर अगर आप इस तरफ किसी भी तरह स्लाइड को धकेलते हैं तो अनलॉक, मतलब ये जल्दी से टूटता नहीं, और इस तरह करके अनलॉक हो जाएगा। ये जो है स्लाइड के लिए सबसे बेहतर लॉक होता है। दूसरा मैं आपको लॉक दिखाता हूँ, ये जो लॉक था ये भी स्लाइड का था, तो ये इस तरह लगता है ऐसे करके, जो ये है ये पल्ले को होल्ड करती है, ये जो इसकी सापट कह लेंगे या जो भी कुछ, ये वाली, तो ये जो है पल्ले की मतलब टक्कर को इस तरह होल्ड करेगी। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है कि अगर आप जोर से धकेल देंगे तो ये टूट जाएगी, क्योंकि ये इसमें से ही निकाला है हमने, तो ये खराब हो चुका है लॉक बिल्कुल, क्योंकि लगा हुआ लॉक होगा तो कभी इन्होंने जोर से धकेल दी होगी स्लाइड, तो ये टूट जाता है, इसकी कोई खास मजबूती होती नहीं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसी तरह का लॉक स्लाइड में लगवाया करें, तो इसकी जो है मजबूती काफी हद तक बहुत ज्यादा होती है, कितना भी आप जोर से खींचेंगे इसे तो ये अनलॉक नहीं होगा, टूटेगा नहीं मतलब, और इस तरह से अनलॉक कर देंगे आप इसे।